यहां पर एक्स ओ का मतलब है कि जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे जैसे यहां पे फास्फोरस दे रखा है H4P2O7 पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसका मतलब क्या हुआ बाई ड्रॉप गिरता रहता है में. तो जो आपने बीतर यह फ्लास्क लिए स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे टी ट्वेंटी सीरीज की टी ट्वेंटी सीरीज का मतलब है

फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच इज़ नॉट प्रेजेंट यहां पर ओ एक्स का मतलब है कि जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे जैसे यहां पे फॉस्फोरस दे रखा है एच फोर पी टू ओ सेवन एच फोर पी टू ओ सेवन बेसिकली होता है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एच टू टू ओ सेवन ये है आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसका कॉमन नेम ओलियम भी है तीसरा है 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 ये होता है साइक्लो और है H2S2O8, ये होता और चौथा या फिर हम कहें पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एक्सओ एक्स बॉन्ड का मतलब है जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन uh, में बात करूं तो पीओपी बॉन्ड होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन में बात करूं तो एसओ एस बॉन्ड होना चाहिए इसी तरीके से हमको हमको यहां पर देखना है ठीक तो इनके स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता लगेगा जैसे फर्स्ट ऑप्शन है एच फोर पी टू ओ सेवन इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें नजर आएगा पी बॉन्ड मतलब एक्स ओ एक्स बॉन्ड प्रेजेंट है तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता फिर अगर मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जाऊं तो वो है एच टू एस टू ओ सेवन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता फिर थर्ड है हमारा एच पी ओ थ्री होल्थ्राइस एच पी ओ थ्री होल्थ्राइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है यहां पर आपको पी बॉन्ड जो है वो तीन नजर आ रहे होंगे ठीक है तो यहां पर भी एक्सओ एक्स बॉन्ड प्रेजेंट है पर अगर मैं मार्शल एसिड की बात करूं तो यहां तो पर एक्सओ o एक्स ठीक है तो यहां पर एक्सओ एक्स बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो आंसर हमारा क्या होगा फोर्थ फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन कार्बन के तीन आइसोटोप्स होते हैं कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन और कार्बन फोर्टीन जिसमें से नेचुरली आइसोटोप जो होते हैं वो होते हैं कार्बन ट्वेल्व और कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन जो है वो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है और इसकी हाफ लाइफ होती है फाइव सेवन सेवन जीरो ईयर्स कितनी होती है फाइव सेवन सेवन जीरो ईयर्स और ये काम आता है रेडियो कार्बन डेटिंग में तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन पूछा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन तो आंसर हमारा जाएगा थर्ड कार्बन फोर्टीन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इट सेल्फ एंड विद अदर आइटम्स तो पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे अगर मैं ऑप्शन वन ले लू क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन जो है वो विद इट सेल्फ वो कार्बन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहिए अब मल्टीपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो कार्बन कार्बन के बीच में भी होना चाहिए और कार्बन और किसी दूसरे एलिमेंट के बीच में भी होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन ही कार्बन के बारे में बात कर लिए तो इतना तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि कार्बन 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 तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है तो ये अपने साथ तो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है फिर अगर मैं बात करूं कार्बन किसी और के साथ भी पाएबॉन्ड बना सकता है क्या तो बिल्कुल बना सकता है अगर हम यहां पे इसका सॉल्यूशन देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ठीक है फिर, फिर सेकेंड ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन 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 के साथ पाएबॉन्ड बना सकता है ट्रिपल बॉन्ड एन बनता भी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है जैसे अगर मैं कंपाउंड की बात करूं एन टू ओ फाइव हो गया एन टू ओ फोर हो गया वहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ठीक है फिर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन 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 के बीच में पाई बॉन्ड बनता है ठीक फिर ऑक्सीजन का क्वेश्चन हम यहां कार्बन के साथ डील कर ही चुके हैं तो ये कार्बन के साथ यहां पर आपका दूसरा एटम हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए फिर अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की तो फ्लोरीन जो है फ्लोरीन के

इन करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें अमंग ऑफ नाइट्रोजन ओनली एनएफ थ्री इज स्टेबल नाइट्रोजन फैमिली में जो ट्राइहेलाइड बनते हैं वो स्टेबल होते हैं पर अगर हम स्पेसिफिकली नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में जो ओनली नॉन स्टेबल ट्राईहेलाइड है है वो है एनएफ थ्री तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ

का एलिमेंट है तो वो अपनी कोवलेंसी को एक्सीड नहीं कर सकता वो पांच बॉन्ड नहीं नहीं बना सकता इसका मतलब क्या क्या हुआ कि नहीं करेगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा third, SBF3 is in nature, जाएगा थर्ड गलत हो कैसा होगा Covalent होगा तो हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन नंबर ऑफ द विल फर्स्ट ऑप्शन SF6 जो है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता अब हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होता उसका रीजन है SF6 does not undergo hydrolysis due to steric hindrance स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाने की वजह से वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है शो का जो अटैक है वहां पे वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो SF6 का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता फिर अगर मैं बात करूं CCl4 और NF3 CCl4 और NF3 में भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो अगर जैसे आप आगे देखें CCl4 and एंड does एफ थ्री डज नॉट अंडरगो the ड्यू टू vacant ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल और एसेंटू मेगानिज्म होने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल होना रिक्वायर्ड है एस एफ सिक्स का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता सीसीएल फोर का नहीं हो सकता एन एफ थ्री का नहीं हो सकता अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो है सेकंड एस आई सी एल फोर अगर मैं SICL4 की बात करूं तो फोर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सिलिसिक एसिड तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जाना चाहिए वो क्या है सेकेंड किसका हाइड्रोलाइसिस होगा एस आई सी एल फोर का तो ये सेकेंड आंसर हो गया हमारा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ दिक्सड एन हाइड्राइड मिक्स पे पहुंचने से पहले पहले हम ये समझें कि एनहाइड्राइड का मतलब क्या है जब मैं किसी नॉन मेटल या फिर किसी एसिडिक ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है एसिड। अगर हम उस ऑक्सी एसिड को हीट करें तो हमें मिलता है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एशु अब ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मुझे मिला है ये कहलाता है आपका उस ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड ठीक है अब मिक्स एनहाइड्राइट का मतलब क्या हुआ मिक्स एनहाइड्राइट का मतलब है कि आपको दो ऑक्सी एसिड का एक एनहाइड्राइट मतलब एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगा तो ऑप्शन है हमारे सामने एनओ टू सीएल टू ओ सेवन एसओ थ्री एंड एन टू ओ फाइव ये चार ऑप्शन है देख लेते हैं कि इनका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या क्या बनेगा ऑप्शन का एसिड तो मिल रहे हैं तो इस वजह से इस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को आप क्या कहेंगे मिक्सड एनहाइड्राइड फिर बाकी Cl2O7 Cl2O7 का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मिलेगा HClO4 सी पर क्लोरिक एसिड यहां पर आपको एक ही टाइप का ऑक्सी एसिड मिला इस वजह से मैं सेवन को सिर्फ और सिर्फ एनहाइड्राइड कहूंगा फिर नेक्स्ट है एसो थ्री एसो थ्री करेंगे तो हमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड एक ही टाइप का ऑक्सी एसिड मिला और अगर एक ही टाइप का ऑक्सी एसिड मिल रहा है तो इसको भी हम मिक्स एनहाइड्राइड नहीं कह सकते N2O5, N2O5 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मिलेगा HNO3, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी एक ही टाइप का ऑक्सी एसिड मिल रहा है यहां भी एक सिंपल एनहाइड्राइड है मिक्सड एनहाइड्राइड कौन होगा जो आपको दो ऑक्सी एसिड प्रोवाइड कर रहा होगा तो आंसर क्या जाएगा फर्स्ट एनओ टू फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया फिर अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग डज आई टू सी एल टू एफ टू एंड कंसेंट्रेटेड एस यू एसओ फोर अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए बस एक लाइन चाहिए और एक वो लाइन क्या है सिंपल सी एक लाइन है इस लाइन का मतलब क्या है जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं फ्लोरीन का नंबर है क्लोरीन का टोमिक नंबर है सेवनटीन ब्रोमिन का थर्टी फाइव और आयोडीन का फिफ्टी थ्री ठीक है मतलब फ्लोरीन जो है वो ब्रोमिन क्लोरीन और आयोडीन इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है आयन ऑफ हायर नंबर तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमिन इनको ऑक्सीडाइज करवा सकता है फिर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ब्रोमिन आयोडीन को करवा सकता है फिर अगर मैं ब्रोमिन की बात करूं तो वो आयोडीन को करवा सकता है ठीक है तो यहां पर अगर मैं देखू इन रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो देखिए आप ये फ्लोरिन और यहां पर हमने कोई सॉल्ट ले लिया जैसे आपको क्वेश्चन में केबीआर दे रखा है तो उस टाइप से वो बी आर माइनस वाली बात समझ लीजिए तो F2 के साथ कोई सॉल्ट आ गया अब वो सॉल्ट किस किस का हो सकता है Cl- माइनस का हो सकता है Br- माइनस का हो सकता है I- माइनस का हो सकता है तो ये इसको Cl- माइनस बी माइनस आई माइनस को किसमें पहुंचा सकता है Cl2, Br2, I2 ठीक है ऑक्सीडाइज करवा दिया माइनस वन से जीरो में ले गया सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्लोरीन की अब क्लोरीन किस किस को ऑक्सीडाइज करवा सकता है क्लोरीन से ज्यादा एटोमिक नंबर कौन रखता है ब्रोमिन और आयोडीन यहां पर हमने फ्लोरीन को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि लाइन क्या कहती है हेलोजन आयन ऑफ हायर नंबर तो क्लोरीन जो है Br- और I- माइनस को ऑक्सीडाइज करवा सकता है और ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज करवा सकता है सिर्फ I- को तो अब हम यहां पे देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलिबरेट Br2 फ्रॉम के कॉनिंग कर सकता सिंपल है आयोडीन क्योंकि तो आयोडीन का टॉमिंग नंबर ब्रोमीन से ज्यादा है इस वजह से आंसर हो जाएगा फर्स्ट अब अगला क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट तो पहला जो हमें दे रखा है यहां पे एफ टू सीएल टू बी आर टू आई टू पावर का ऑर्डर है सेकंड दे रखा है एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है थर्ड है एफ सी एल बी आर आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फोर्थ है एफ सी एल बी आर आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और यहां पे हमें करेक्ट चेक करना है कि करेक्ट क्या है ठीक है अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं जो मैं पिछले क्वेश्चन में भी अभी डील कर रहा था कि हेलोजन ऑक्सीडाइज हेलाइड आयन ऑफ हायर एटोमिक नंबर ठीक है तो

फर्स्ट uh, ऑप्शन दे रखा है ए डी सेकंड दे रखा है बी डी थर्ड दे रखा है ए सी सी और फोर्थ दे रखा है बी डी इसका मतलब एक स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पे फिर सेकंड है एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये ऑर्डर गलत है अगर मैं बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है सी एल टू बी आर टू एफ टू आई टू ठीक है तो सेकंड जो है आपका बी जो है वो करेक्ट हो गया तो अभी तक ए करेक्ट है ए करेक्ट है तो मतलब का और और होती है 4, की होती है थ्री ब्रमीन की होती है टू पॉइंट एट और आयोडीन की होती है टू पॉइंट फाइव और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू तो बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है तो थर्ड ऑप्शन मतलब सी भी आपका करेक्ट है तो आंसर तो ऑब्वियसली आपका थर्ड ही जाने वाला है फिर भी एक बार डी को बी चेक कर लेते हैं एफ सी एल बी आर आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर गलत है पूरी टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है क्लोरीन की तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया था तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ ए और सी और ए और सी हमें जो दे रखा है वो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट ऑप्शन है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सेकंड दे नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड दे हैव लो ऑफ एनपी एंड फोर्थ दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बेसिकली मेटल्स ही हैं और मेटल्स की जो टिपिकल जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं मेलिएबल होते हैं डक्टाइल होते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो खत्म हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो बोल रहा है तो ये तो इनकरेक्ट है हर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ठीक है पर बाकी के ऑप्शन को भी हम डील कर लेते हैं डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं जैसे अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज आपको मैंगनीस प्लस थ्री में, 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 में बनाता है इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीजन क्या होता है एन और एन माइनस वन डी में एनर्जी गैप का कम होना

तो अगर हम वेनेडियम क्रोमियम और मैंगनीज को देखें तो ये एक पीरियड में आते हैं थ्री डी सीरीज के एलिमेंट्स है वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज एक के बाद एक रखे थे तो होता क्या है कि पीरियड में इन अ पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस पीरियड में

सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है यहां पर फोर माइनस की अब फोर माइनस की अगर स्टेबिलिटी सबसे कम है तो उसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी तो फोर माइनस जो है यहां पर इन तीनों में सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो क्वेश्चन वापस से देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इज करेक्ट इसको हमने स्टेबिलिटी से देखा तो ऑप्शन स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी थी ऑप्शन देख लेते हैं दे रखा है सबसे पहले स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा वीओ टू प्लस की थी और सबसे कम एमेनो फोर माइनस की थी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा एमेनोफोर माइनस का हो जाएगा तो फोर्थ ऑप्शन एमेनोफोर माइनस सीआर टू सेवन टू माइनस और वीओ टू प्लस ये आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर

जैसे अगर मैं मैंगनीज की बात करूमए मैगनीज प्लस टू में बेसिक है MN207, मैंगनीज प्लस में है, MNO2, मैंगनीज प्लस में में एसिडिक है है उसी तरीके से अगर हम क्रोमियम पे आए तो क्रोमियम की हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सिक्स तो सीआर थ्री प्लस सिक्स में इसका मतलब यह एसिडिक हो गया क्रोमियम सीआर टू ओ थ्री क्रोमियम यहां प्लस थ्री में है तो प्लस थ्री वाला क्रोमियम कैसा होता है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है इस वजह से इसका आंसर जाएगा बिगनिंग बट बिकम इंस्टेंटेनियस टाइम बिकॉज फर्स्ट ऑप्शनिस्ट सेकंड सीओ टू इज फॉर्मड एज द प्रोडक्ट थर्ड ऑप्शन रिएक्शन इज एक्र्मिक एंड फोर्थ ऑप्शन एम एन catalyzes the reaction. यहां पर हमने सॉल्यूशन में रिएक्शन ले रखी है तो आपको प्रोडक्ट जो दिख रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा होगा ठीक है आयन है ये आपका केमिनोफोर की जगह हमने आयनिक आए, इक्वेशन यहां पे हो गया तो आपको प्रोडक्ट सीओ टू मिल रहा है पर आंसर वो नहीं है सीओ टू इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट उससे कुछ नहीं होगा देखिए क्या होता है कि जब हम केमिनोफोर को ये बेसिकली एक टाइट्रेशन है जब हम केमिनोफोर को ऑक्सैलिक एसिड में एड करते हैं जैसी वो ऑक्जेलिक एसेड में गिरता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है फिर आप उसको बीकर को अगर आप शेक करेंगे तो वो कलरलेस हो जाता है शुरू में जो ये रिएक्शन होती है ये थोड़ी स्लो होती है पर जैसे जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते चलते हैं चलते चलते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप इंक्रीज होने लगती है आप एक्सटर्नली कुछ नहीं कर रहे हो उसके अंदर सिर्फ आप ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हैं तो वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अपने आप ही इंक्रीज होने लगती है जो टाइम ड्यूरेशन था वो कम होने लगता है अब ऐसा क्यों जब केमिनो ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो अगर आप यहां पे देखें तो एम एन प्लस टू बनता है बंदा है ये MN plus two क्या करता है ये एम एन प्लस टू का काम करता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है अब हमने अलग से कोई कैटलिस यूज नहीं करा क्योंकि का काम क्या है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना हमने कुछ बाहर से अलग से कैटलिस्ट को ऐड नहीं करवाया वहां पे जो एम एन प्लस टू बना वही वहां पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एम एन प्लस अपने आप ही कैटलिस्ट का काम करना इस वजह से पढ़िए क्वेश्चन वापस से पढ़िए द देशन मतलब वो जो पिंक से कलरलेस हो रहा था शेक करने पर वो शुरू में स्लो था पर बाद में धीरे धीरे वो बढ़ने लगा क्यों बढ़ने लगा क्योंकि वहां पर कैटलिस्ट आ गया और कैटलिस्ट अपने आप काम कर रहा है जो मैंगीज केमिनोफोर में प्लस सेवन में था वो प्लस टू में आके कैटलिस्ट का काम करने लगेगा इस वजह से आंसर क्या जाएगा एम एन प्लस होगा फर्स्ट अगला क्वेश्चन विच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जैसे अगर मैं सिर्फ थ्री डी सीरीज की बात करूं तो उसमें से स्कैंडियम और जिंक वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते स्कैंडियम सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जिंक सिर्फ और सिर्फ प्लस टू ऑक्सीन स्टेट शो करता है तो तो अगर आप यहां पे देखें स्कैंडियम सिर्फ शो कर रहा है और जिंक सिर्फ प्लस टू शो कर रहा है पर अगर टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन निकल को अगर आप देखें तो वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो अब इन चारों में हम देखें आयरन मैंगनीज कॉपर स्कैंडियम तो आंसर क्या जाएगा फोर्थ सिर्फ एक टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो आंसर है scandium, 16, state of MN, with and are. तो पहले तो हम देखते हैं पिछली साइड के अकॉर्डिंग के जो मैंगनीज है उसकी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस सेवन अब वो फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्या प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है तो उसके लिए अगर हम देखें तो मैंगनीज जो है वो फ्लोरिंग के साथ हाइएस्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनाता है वो बनाता है एम मतलब मैंगनीज प्लस फोर वाला पर ऑक्सीजन के साथ वो प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हाइएस्ट स्टेबल कंपाउंड बना लेता है अब ऑक्सीजन के साथ प्लस सेवन वाला स्टेबल कंपाउंड बनाने का रीजन होता है क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है मेटल के साथ तो उस मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी की वजह से ऑक्सीजन जो है मेटल्स के साथ हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है पर अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं इस केस में मैंगनीस के लिए तो एमएनएफ सेवन मतलब अगर मैंगनीज अगर मैं सेवन में ले लूं फ्लोरीन के साथ तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस तो जो हाइएस्ट स्टेबल फ्लोराइड है मैंगनीज का वो है एमएनएफ फोर मतलब प्लस फोर वाला तो ऑप्शन क्या क्या जाएगा हमारा Respectively बोला है तो पहले फ्लोरीन के लिए देखना पड़ेगा तो फ्लोरीन बनता है तो मैंगनीज प्लस 4, और ऑक्सीजन के साथ प्लस सेवन वाला तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहां पर बैठ रहा सीआर टू सेवन टू माइनस इसमें पूछा है option, CRO मतलब उनकी लेंथ सेम है सेकंड सिक्स सीआरओ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल थर्ड

अब सली यहां पर बॉन्डलैंथ जो है वो अलग अलग है अलग अलग होने का रीजन भी है यहां पर रेजोनेंस होने की वजह से इनकी जो बॉन्डलेंथ है वो कम हो जाएगी और सेम यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है तो कितने यहां पर आ, कितने यहां पर क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड्स हैं जिनके बीच रेजोनेंस हो रहा है तीन इधर और तीन इधर तो टोटल कितने हो गए सिक्स तो सिक्स सीआरओ बॉन्ड्स की जो बॉन्डलेंथ होगी या फिर मैं कहूं जो बॉन्ड्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे तो ऑप्शन जो जाएगा हमारा क्या जाएगा सेकंड सिक्स सीआरओ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग एजेंट फर्स्ट ऑप्शन है ईयू प्लस टू सेकेंड है सीई प्लस फोर थर्ड है सीई प्लस थ्री और फोर्थ है एलयू प्लस थ्री क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एफ ब्लॉक की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की जनरल या फिर कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है प्लस थ्री ठीक है अब इू की अगर हम बात करें तो ईयू प्लस टू में एग्जिस्ट करता है प्लस टू में कैसा एग्जिस्ट करता है उसको हम देख लेते हैं पहले तो यू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देख लेते हैं यू का नंबर है 63 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होता है 6S2 4F7। अब ईयू प्लस टू की बात करें तो फोर एफ सेवन बचेगा फोर एफ सेवन का मतलब है हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन तो यू प्लस टू स्टेबल है एग्जिस्ट कर सकता है

-E plus को भी चेक कर लेते हैं जैसे अगर मैं -E plus की बात करूं, का है 58। अगर मैं इसका लिखूं, तो होगा प्लस फोर की अगर हम बात करें तो यहां से चारो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे सिर्फ जेनॉन बचेगा जेनॉन बचने का मतलब क्या है, कि नोबल गैस है। इसका मतलब सीई प्लस फोर भी स्टेबल है अब सीई प्लस फोर जो है

ट्रेसिस ऑफ विच एलिमेंट इज नॉट फाउंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम सेकेंड कैल्शियम थर्ड कार्बन एंड फोर्थ बोरोन मिश मेटल जो है ये अलॉय है लेनाइड और आयरन का देखिए सॉल्यूशन में जो दे रखा है मिश मेटल इज एन एलॉय विच कंसर्स ऑफ अइड मेटल एंड आयरन अब यहां पे लेंथनाइड मेटल का जो परसेंटेज है वो है ऑलमोस्ट नाइंटी फाइव परसेंट और आयरन जो है वो है ऑलमोस्ट फाइव परसेंट अब इसमें कुछ ट्रेसेस भी पाए जाते हैं दूसरे एलिमेंट्स के और वो दूसरे एलिमेंट्स कौन कौन है सल्फर कार्बन कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम ठीक है ये चार एलिमेंट्स के ट्रेसिस अमाउंट मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में यह पाए जाते हैं तो ट्रेसेस ट्रेसिस हमसे पूछा होगा क्वेश्चन में इन मेटल ऑफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड तो एल्यूमिनियम मिलता है कैल्शियम मिलता है कार्बन मिलता है वोरोन नहीं मिलता बोरोन की जगह यहां पर क्या होना चाहिए था सल्फर तब चार ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं पर वहां पर बोरोन दे रखा है इसका मतलब फोर्थ जो है आपको ये ट्रेसिस में नहीं पाया जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मोस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अब हमें यहां पे कुछ चार आयन दे रखे हैं एफई मतलब प्लस टू एफई प्लस थ्री सीओ प्लस टू मतलब कोबाल्ट प्लस टू और कोबाल्ट प्लस थ्री इन चारों में हमें सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो भी आपको तो चार्ज दे रखा है उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने जैसे अगर मैं फर्स्ट आयरन है तो पहले तो हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 तो ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d6 अब Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो क्या बचा 3d6 अब अगर आप यहां पे देखें 3d एक-एक इलेक्ट्रॉन -एक एक फिल करें 1 2 3 4 5 6 तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए फोर सेकंड ऑप्शन Fe तो वो फोरेस्ट टू थ्री डी सिक्स हो गया एफ थ्री का मतलब हो गया दो इलेक्ट्रॉन निकले इलेक्ट्रॉन तो हो गए पहले ऑप्शन में चार थे में पांच हो गए कि हाइएस्ट बिहेवियर कौन शो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन या फिर मैं कहूं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट तो भी आंसर क्या जाता गया इलेक्ट्रॉन्स एफ वी प्लस थ्री में है फाइव तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन जो प्रॉपर्ली एनसीईआरटी बेस्ड थे नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए नाउ आई होप कि आप बहुत अच्छे से नीट ट्वेंटी फोर देंगे और अच्छी अच्छी रैंक लाएंगे ऑल द बेस्ट टू यू थैंक यू